तो कर रहा हूँ कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और आपका एक कोई बाइक लेनी चाहिए या लेनी नहीं चाहिए उसके ऊपर आपका एक मन बना सकते हो। तो डिस्क ब्रेक आपकी ब्रेक काफ़ी अच्छा काम करती है। ABS है, इसके लिए आपको तीन मोड मिलते हैं बाइक में, उन तीनों मोड के अकॉर्डिंग ही ABS काम करता है। इसके साथ में इधर एक फ़ैन दिया हुआ है और ये फैन का जो एग्जॉस्ट है नीचे को हवा मारता है। ये जो फैन की जो हवा लगती है नीचे से होके तो आपके इस वाले पैर की साइड ज़्यादा हवा आती है। सो हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर विशू। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करूंगा अपनी बाइक का फुली रिव्यू आफ्टर तो नहीं कह सकते, अप्रोक्स 500 किलोमीटर के आसपास। जो मेरी बाइक है इस समय 4500 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है, 500 किलोमीटर लेफ्ट है और जब तक ये वीडियो आ रही होगी तब तक 5000 किलोमीटर हो जाएंगे कम्प्लीट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है ये अपनी यजदी एडवेंचर जो कि मैंने बाइक की थी 25 फरवरी को मैंने बाइक की थी। बाइक तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, अब तो 3 महीने होने वाले हैं, मई लग चुका है अभी। तो ये अपने कुछ बाइक देख सकते हो अभी आप। इसमें मैंने कुछ भी बाहर से कुछ फिटेड नहीं कराया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, सिर्फ टैंक के अलावा टैंक के ऊपर एक मैंने सिर्फ लैमिनेशन कराई ताकि मैं टैंक में लगाऊँ तो स्क्रैचेस ना आए और सेफ्टी पर्पज के लिए करवाई थी मैं लैमिनेशन, और अभी उसके तक कुछ नहीं हुआ है। और ये है बाइक के किलोमीटर, आपको एक बार शो कर देता हूँ कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी। 4466.8 हो चुकी है गाइस गाड़ी, देख रहे हो आप। तो इस समय अपनी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो गाइस, इतने किलोमीटर चलाने के बाद आई होप कि मैं अपना एक फुली रिव्यू दे सकता हूँ यजदी एडवेंचर के बारे में, कि इस बाइक के क्या पॉइंट्स हैं, क्या कौन सा है, ये सभी चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ इस वीडियो में। तो आप गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और आपका कोई बाइक लेनी चाहिए या लेनी नहीं चाहिए उसके ऊपर आपका एक मन बना सकती है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे सकता हूँ इस बाइक के ऊपर कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए और क्या इसके पॉन और क्या इसके कौन है। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से इस बाइक का शुरू करते हैं। आपको जो गाइस टायर मिलते हैं, फ्रंट टायर आपको मिलता है 21 इंच का मिलता है, 21 सेक्शन का, जो कि इसका टायर साइज है 90x90 21 इंच। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये इधर आई देखिए 21 इंच 90x90 का। तो आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है गाइस, स्पोक वाले सस्पेंशन मिलते हैं और स्पोक वाले आपको व्हील मिलते हैं, इसमें ट्यूब टायर मिलते हैं आपको और LED का पूरा सेटअप है, हेडलाइट LED है, इंडिकेटर LED है और आपका जो मीटर है वो भी आपको LED मिलता है, डिजिटल मीटर मिलने के साथ आता है आपका पूरा फुली TFT स्क्रीन के साथ। ठीक है गाइस, ये आपको इसमें मीटर मिलता है। और हैंडल बार की अब बात कर लेते हैं, वाइड हैंडल बार मिलता है आपको। इसमें स्विच की बात कर लेते हैं, इंजन किल स्विच, हजार्ड लाइट, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पे आपको USB चार्जर, USB और टाइप सी चार्जर और इनमें मीटर को टॉगल करने के लिए स्विचेस, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच मिलता है यहाँ पे आपको। स्विचेस में आपको ये मिलता है, इसके जो मिरर है गाइस, जो इसके रियर मिरर है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है इसमें, अच्छी पूरा वाइड दिखाता है पीछे का। मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कोई ऐसा फील हुआ कि मुझे इससे बड़े मिरर चाहिए, मेरे लिए बढ़िया काम करते हैं गाइस ये मिरर, बहुत अच्छा दिखाते हैं। मुझे कोई ऐसा चेंजेस करने की इसमें कोई जरूरत नहीं लगी है, इतनी राइड की है मैंने, 5000 तक चली है, तो पूरा दिखाते हैं, अच्छा कवर करते हैं, पूरा पीछे का जो फील्ड है पूरी कवर करते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन करनी है, आपको अच्छे लगते हैं मिरर अच्छे बड़े और वाइड देख लगाना, तो आप कर सकते हो मिरर चेंज करवा सकते हो, नो डाउट। और हाँ गाइस, दूसरी जो मोटिवेशन है इसमें मैंने की है, प्लेट लगवाई है, इसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, ये प्लेट मैंने कहाँ से मंगवाई है, कितने की पड़ी है, सबके ऊपर इसकी वीडियो भी आ चुकी हुई है। तो गाइस वैसे आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि ये जो प्लेट मुझे पड़ी है, प्लेट जो पड़ी है 1500 रुपये की पड़ी है और जो ये लैमिनेशन मैंने करवाई थी टैंक पे, ये 250 रुपये की हुई थी टैंक में, धूल धूल करके गाड़ी गई थी, अभी वो जा रही है देखो, ओहो बाद में बनाते हैं वीडियो। सेकंड थिंग आपकी जो डिस्क ब्रेक आपकी ब्रेक काफ़ी अच्छा काम करती है, मैं 4-5 हज़ार में गाड़ी चला चुका हूँ तो जो उसका ब्रेक है गाइस काफ़ी बढ़िया काम करती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जो आपको जो फ्रंट ब्रेक है ये मिलती है 320 mm की और रेयर मिलती है 240 mm की, आपको रेयर डिस्क ब्रेक मिलती है, ड्यूल चैनल ABS के साथ है। और जिसका गाइस ABS है, इसके लिए आपको तीन मोड मिलते हैं बाइक में, उन तीनों मोड के अकॉर्डिंग ही ABS काम करता है। जो मोड आपको बताता हूँ, राइडिंग मोड, ऑफ रोड मोड और रेन मोड, ठीक है, तीनों मोड में मैंने गाड़ी चला के देखी है, रेन मोड में चला के देखी है, ऑफ रोड मोड चला के देखी है, रोड मोड में जो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको रोड में मिलेगी, सॉरी रोड मोड में मिलेगी। ऑफ रोड आप तभी जाओगे जब ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आपका रेयर चैनल ब्रेक चक्के का जो डिस्क है वो मतलब ABS कट ऑफ हो जाएगा, जो आपका जो स्लाइड करते हो डिस्क मारते हो तो आपका जो ABS की वजह से क्या होता है, आपका चक्का स्लाइड नहीं करता, जब ABS कट ऑफ हो जाएगा तो आपका चक्का स्लाइड करता हो जाएगा, घिसता हो जाएगा नीचे तक को, तो वो आप कट ऑफ हो जाता है ऑफ रोड में। ऑफ रोड में मज़ा भी आता है ABS कट करने के बाद, जो चक्का स्लाइड करता है मज़ा आता है उसमें। और देखो गाइस, इसमें आपको मिलता है रेडिएटर, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंजन है, 334 cc का इंजन है, इसकी जो पावर है गाइस
29 पॉइंट कुछ की इसकी न्यूटन मीटर मैक्सिमम पावर है, 29 पॉइंट कुछ का ही इसका मैक्सिमम टॉर्क का स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, आ जाएगा कितने आरपीएम पे, 8000 आरपीएम पे अपनी 30 पूरी 29 की है बीएचपी की पावर जनरेट करता है, और 6000 से लेके 5000 से लेके 6000 आरपीएम के बीच में ये अपनी मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन, क्योंकि काफ़ी अच्छी पावरफुल इंजन है। और रेडिएटर मिलता है क्योंकि पावरफुल इंजन है तो रेडिएटर इसलिए कूलिंग के लिए, बट लेकिन इसका गाइस एक बहुत तगड़ा ड्रॉबैक है, ये इसका सबसे बड़ा कौन है इस बाइक का, बाइक में मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा क्रॉन यही लगा कि हीटिंग इशू। ये रेडिएटर के साथ में इधर एक फ़ैन दिया हुआ है, और ये फ़ैन का जो एग्जॉस्ट है नीचे को हवा मारता है, ये जो फ़ैन की जब हवा लगती है नीचे से होके तो आपके इस वाले पैर की साइड ज़्यादा हवा आती है हमेशा इसकी फ़ैन की, और जिसकी वजह से आपका जो पैर है ना बिल्कुल गर्म हो जाएगा। मेरे ये शूज़ डालता हूँ मैं, वही भी मेरे पास दूसरे बूट भी है राइडिंग वाले जंगल बूट, वो भी बिल्कुल गर्म हो जाते हैं कई बार तो जब मैं लॉन्ग राइड पे होता हूँ। और ये तो मतलब कि 5 या 10-12 किलोमीटर चलाओगे तभी ये गर्म हवा मारना शुरू करता है, बहुत जल्दी हीट होता है इंजन, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 5000 चलाइए मैंने गाड़ी, मैंने 300-400 किलोमीटर कंटिन्यू चलाई है गाड़ी, ये ऐसा कोई नहीं कि गाड़ी बंद हो जाएगी ज़्यादा हीट होगी तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको ठंडी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये है कि हीट मारता है वो फ़ैन जो है ना पूरी गर्म हवा मार के बाहर मारता है इंजन की। और कूलेंट है तो लिक्विड कूल इंजन है, तो कूलेंट जाता है, आप कूलेंट चेक भी कर सकते हो यहाँ से, इसका कूलेंट डलता है तो लिक्विड कूल इंजन है, तो इंजन तो आपको पता गाइस बढ़िया इंजन है। और आपको जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है जैसे कि बताया फोक वाला मिलता है, स्पोक के आपको व्हील मिलते हैं, फ्रंट फोक वाला मिलता है आपको, टेलीस्पोकिक नहीं मिलता ये, मतलब यूएस टेलीस्कोपिक है, यूएसडी नहीं मिलता आपको। और रियर आपको मोनोशॉक मिलता है, ये लगा हुआ है इसका मोनोशॉक नीचे, काफ़ी बड़ा है ये भी अंदर तक जा रहा है, तो ये भी गाइस इसकी भी बंदे कह रहे थे कि नीचे लग सकता है कुछ हो सकता है, बट अभी तक तो मेरा नहीं लगा नीचे, फ्यूचर में पता नहीं अगर कोई तगड़े वाली ऑफ रोडिंग की तो हो सकता है नीचे लग जाए, बट ऐसा कोई अभी तक नीचे नहीं लगा है ये। और उसके बाद आते गाइस ये जो मैंने लगवाया ये इसकी एसेसरीज है, आपको साथ साथ गाइस मैं बताता रहूँगा क्या क्या इसका एसेसरीज में आता है, क्या क्या इसका आपको बाय करना पड़ेगा। ये आपकी जो विंडशील्ड है ये आपको लगी हुई मिलेगी, ये ऐसी सीरीज है, रेडिएटर ग्रिल आपको लगी हुई मिलेगी, और इसका जो ये पीछे सैडल स्टे है ये ऐसी सीरीज है, ये प्लेट मैंने लगवाई हुई ये भी ऐसी सीरीज ही, मान लीजिए आप कंपनी से भी मिलती है, आप अपनी बाहर से भी बाय कर सकते हो, ये भी ऐसी सीरीज ही है। मिरर आपको साथ मिलेंगे गाड़ी के, और इंजन इसके इंजन के हेडलाइट के लिए काउल आता है वो भी ऐसी सीरीज है, और इसके नकल गार्ड आते हैं जिसे बोलते हैं हैंड गार्ड, वो भी इसके ऐसी सीरीज ही हैं, यहाँ जेरी कैन लगते हैं वो भी इसके ऐसी सीरीज है, और पीछे पैनल लगते हैं वो भी इसके ऐसी सीरीज में आते हैं, तो ये सब चीज़ें इसकी ऐसी सीरीज में आती हैं, बाकी आप बाहर से बाय करना चाहो बाहर से भी बाय कर सकते हो आफ्टर मार्केट भी। और ये तो होगी बात, अब गाइस बात करते हैं गाड़ी के प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स तो गाइस मुझे जहाँ तक मेजर इशू लगा हीटिंग का ही है, और मुझे एक और प्रॉब्लम आई थी गाइस डिस्क पैड की, डिस्क पैड बहुत जल्दी घिस रहे थे, तो अभी तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्लेट चेंज करने के बाद भी, और डिस्क पैड चेंज करने के बाद भी वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये देखिए डिस्क पैड बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, अभी दिख रहे होंगे आपको, तो अभी तक तो ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा है। इसको बंद कर देते हैं एक मिनट, ये कवर भी अच्छा दिया हुआ ताकि अंदर डस्ट उस ना जाए और डिस्क पैड में मिट्टी मिट्टी इकट्ठी ना हो। यहाँ पर मेरी अपाचे में था वो भी ऐसे था सेम, वो भी बढ़िया क्वालिटी की ABS प्लस टी क्वालिटी का था, तो और अभी रस्टिंग का तो गाइस मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, अगर आपको कहीं दिख रही है रस्टिंग वगैरह तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं रस्टिंग नहीं लग रही कोई दिख रहा हो। हाँ थोड़ी ये है कि पेंट की क्वालिटी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी अभी जगह वालों को, शायद हो सकता है देखो जैसे ये पेंट उतर रहा है मेरा यहाँ पर, अब इसे आप रस्टिंग कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये ऐसी रिजर्व पेंट इस पर हो जाएगा, बट मेन पार्ट्स पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ हल्का हल्का पेंट उतरना शुरू हो गया है, और यहाँ पे भी उतर गया, देखो चाबी लगने के कारण उतरा है यहाँ से पेंट था, ये चाबी लगती है तो इसलिए पेंट यहाँ से उतर रहा है, और ऐसा कोई रस्टिंग का भी ऐसा इशू नहीं आया। बाकी अगर आप देख सकते हो अच्छे से अगर आपको कहीं दिख रहा है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा रस्टिंग का इशू नहीं आया, गाड़ी कई बार वॉश हो चुकी है बारिश में भीग चुकी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है रस्टिंग की, ज़्यादा रस्टिंग होगी थोड़ी बहुत है पेंट्स की क्वालिटी कह सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से पेंट उतर गया हुआ है ये हो जाएगा, बट लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी क्योंकि एक तो वहाँ पे ना वो लगता है ये गार्ड लगा हुआ है उसकी वजह से हो सकता है वो नट को टाइट कर रहे हो थोड़ी चोट मारी हो तो उतर गया हो, वैसे तो मुझे लगता नहीं उतरेगा इतनी जल्दी वो भी, बाकी तो ठीक है गाड़ी। और मैं आपको इशू बताता हूँ मीटर के जो ना इसके फ्रंट है थोड़े और बड़े होने चाहिए, जैसे कि ये साइड ये जो ये वाले फ्रंट है ये थोड़े बड़े होने चाहिए, जैसे कि ये सैडल ये साइड स्टैंड दिखा रहा थोड़ा और बड़ा होता क्योंकि मीटर काफ़ी बड़ा है, और रोड मोड है बाइक जब चलाते हो तो आपको दिखता नहीं है रोड मोड है या ऑफ रोड मोड है या फिर रेन मोड है, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है आपको, गियर पोजीशन थोड़ा और बड़ा हो सकता था, टाइम अच्छा दिखता है जो आपकी स्पीड का वो भी बढ़िया दिखाता है, ये रेशो भी आपको आइडिया लगा लोगे कितने आरपीएम पे, थोड़ी ये भी बड़ी कर सकती है कंपनी अगर फ्रंट साइड में थोड़ा इसका अपडेट करे तो,
हो सकती है अपडेशन, अच्छा लगेगा। थोड़े फोन थोड़े बड़े दिखे, थोड़े से ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा बड़े दिखें तो बेकार लगेगा। हल्के से साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ किया जाए तो और अच्छा लगेगा, मीटर की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर एक जगह काफ़ी है मीटर के ऊपर इनके पास ना, तो ये थोड़ी साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये जस्ट मेरी एक एचडी वालों को सजेशन है। और इसका एक हॉर्न, अगर हॉर्न का सेटअप थोड़ा फ्रंट साइड कर दे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर साइड थोड़ा फ्रंट को हो जाए ना, इसका मुँह आगे को हो जाए और ड्यूल हॉर्न सेटअप के साथ हॉर्न लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो क्योंकि गाड़ी जिस हिसाब से इतनी हैवी गाड़ी है, हॉर्न साइड को है, फ्रंट वाले को आवाज़ कम आती है कई बार ना, वो सारी आवाज़ जहाँ गाड़ी चलती है इतनी हवा बज रही होती है, हवा पीछे को जाती है, हॉर्न की जो नॉइज़ होगी ना पीछे को चल जाएगी हवा की अट्रैक्शन के कारण। तो फ्रंट की साइड को होगा थोड़ा, ये तो सुन तो जाएगा, उसकी वजह थोड़ा फर्क तो पड़ेगा पीछे को, बट लेकिन ये कि फिर भी जो हॉर्न का प्रेशर होगा आगे की तरफ की ओर होगा तो उससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। और ड्यूल सेटअप हो तो ज़्यादा बढ़िया आएगा, ड्यूल सेटअप हॉर्न के साथ आ जाए, ये भी एक सजेशन है। और चैन क्वालिटी बढ़िया, एकदम से चैन बढ़िया काम करती है, चैन भी बढ़िया। पीछे की स्पॉकेट देखिए कितनी बढ़िया चैन है इसकी, पिछले वाली वो आगे की भी मैंने देखी है बहुत बढ़िया है। चैसी भी मैंने खोल के देखी है, चैसी भी बहुत हैवी चैसी लगाई हुई है कंपनी ने भी, एकदम बढ़िया चैसी है देखिए मैंने खोल के, और चैसी में भी कोई कमी नहीं लगी मुझे अभी तक ऐसी। और गाड़ी वाइज बिल्ट क्वालिटी तो लगती है गाड़ी की, देखते हैं वन लुक में आपको पता लगेगा कि गाड़ी बहुत ही अच्छी हैवी और बल्कि गाड़ी बनाई हुई है। बंद कर देते हैं इसको तो आपको लग जाएगा पहली नज़र में ही गाड़ी को देखते ही, तो एक बार आप फिर से नज़र मार लीजिए। अभी थोड़ी गाड़ी गंदी है, थोड़ा वॉश हो जाएगा तो अच्छी लगेगी। फुट रेस्ट की भी क्वालिटी गाइज आपको ये चेंज करा दोगे तो बढ़िया, क्योंकि थोड़ी गड़बड़ है ना यहाँ पर तो दिक्कत आती है समटाइम, ऑफ रोडिंग के टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पैर फुट स्किट ना हो जाए और इधर भी आ सकती है, तो ये आप चेंज करा सकते हैं, आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे ये चीज़ें। बट आप ये है कि हर टाइम तो आप रोडिंग करते नहीं हो, अगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते होंगे तो आप चेंज करवा दोगे अपने अकॉर्डिंग, आप वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो हर किसी के बजट के हिसाब से बनाती है, अगर कुछ चीज़ें वो अपनी सारी दे देगी तो आपको वो गाड़ी बहुत कॉस्ट पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें ये अपनी तरफ से आप करवा सकते हो मॉडिफिकेशन, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आपको करवानी ही पड़ेगी। बाकी कैसी इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी, गाड़ी इतनी जल्दी कंट्रोल होती है कुछ कहने की, गाड़ी की ग्रिप रोड पे अच्छी है। थोड़ी टायर की क्वालिटी लगी मुझे नहीं है बढ़िया, सीएट के टायर है, अगर आप चेंज कराओ तो बढ़िया, मैं भी चेंज करवा ही दूंगा। ये वो पिछले बार टायर मेरा अभी 5000 चली है, 20 से गंजा होना शुरू हो गया, देखो आप दिख रहा आपको ये कितने मोटे हैं गुड़ी और ये कितनी पतली हो गई है देखो। तो ये सीएट का टायर है और दो बार पंचर भी हो गया मेरा ये टायर पिछले वाला, नहीं हाँ एक बार ये हो गया, एक बार अगले वाला हो गया, अगले वाला भी एक बार हो गया, एक बार पिछले वाला भी पंचर हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस ये है कि इसमें सेंटर स्टैंड, ये भी इसका गाइस सबसे बड़ा कौन है इस गाड़ी में, इसको बाइक में, कि इसमें सेंटर स्टैंड नहीं दिया कंपनी ने, कि जब पंचर होता है ना गाड़ी, इसको जब पंचर लगाना हो बंदे पागल हो जाते हैं इसे पंचर, कभी यहाँ लगाओ जैक, कभी वहाँ लगाओ, अगले का लगेगा तो यहाँ लगाएंगे, पिछले में लगेगा तो यहाँ लगाएंगे चेसी के पास, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है पंचर लगवाते समय। अगर इसमें कोई सेंटर स्टैंड का ऑप्शन दे दे तो बढ़िया है, या फिर पंचर वालों को एक इसको जो आता ना पूरा वो लगाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड आता जो पीछे लगता पूरा, वो पंचर वालों को अपने पास रख ले भाई, क्योंकि अब आजकल गाड़ियों में वैसे भी सेंटर स्टैंड आ ही नहीं रहा। तो जितने भी पंचर वाले देख रहे हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है जो बड़ा स्टैंड आता ना वो लगा लो, ताकि आप पंचर लगा सके आप, क्योंकि उसका पंचर है कुछ सोचना पड़ेगा यार, लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पंचर के ऊपर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जहाँ तो मुझे लगता है, क्योंकि उस दिन पंचर हुआ था बहुत तगड़ा खज्जल हुआ था। और दूसरी हाँ सबसे बड़ी चीज़ गाइस ये, इसमें ना पिछले टायर में आपको हवा भरना बहुत मुश्किल होएगा, आप किसी के पास भी जाओगे जिसके पास लंबे वाला पाइप होगा उससे आप हवा नहीं भरवा पाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस इसमें हवा भरते हुए समय पिछले चक्के में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि किसी के पास छोटे पिन वाला मुँह ही नहीं होता जिससे हवा भर लें, क्योंकि इसका जो बड़ा ना जो डालता है बीच में, इसका तो बीच का जो ये है क्या बोलते हैं इसको वायरिंग है, इतना बड़ा वायरिंग दे रखा है, चलिए तो अच्छी बात है बहुत बड़ा, और ये हैवी वायरिंग है वजन के लिए, जितना मुझे वजन डाल दो ये वायरिंग कहीं नहीं जाने वाला, हिमालयन वालों का देखा मैंने बहुत छोटा उनका वायरिंग, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। और लेकिन जिसमें जो सबसे प्रॉब्लम ही आती है कि हवा नहीं भर पाते इसमें आप ना, जिसमें छोटे वाला जिसका मुँह छोटा होता है, जो पहले आती छोटी सी टायर उसके लिए भरने वाली हवा, वो हवा भर से भरी जाएगी इसमें हवा, जो लंबे लंबे आते हैं जो जिनकी आगे से मुँह लंबा होता है तो उससे हवा नहीं भर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, कहीं मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो किसी के पास मिल जाएगा तो हवा भर जाएगी, अदरवाइज़ आपको तो अपना ही आप वो पंप कैरी कर ले इन्फिनेटर, उससे हवा भर सकते हो आप। डिस्क पैड की इशू आया था, डिस्क पैड का इशू रिजोल्व हो गया है डिस्क पैड चेंज करने के बाद, अभी तक तो ठीक चल रही है, उसके बाद मैंने चेंज करवाने के बाद अप्रोक्स गाड़ी 1700-800 किलोमीटर चल चुकी है, डिस्क पैड और डिस्क पैड चेंज करने के बाद 800 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया है। सीट क्वालिटी भी ठीक है, पिलिन की तो बढ़िया है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर आप 50-60 किलोमीटर से ऊपर की राइड करते हो, लो राइड करते हो, पक्का डेफिनेटली होगी, मुझे भी होती है, हिप आप की पीछे वाले बम्प दर्द करना शुरू कर जाएंगे, बट हमें तो आदत होगी राइड करके, जो नए राइडर्स होंगे, वैसे मुझे पता है जो
अब जो बाइक लेगा एडवेंचर वो लॉन्ग राइड के लिए लेगा, क्योंकि बाइक टूरिंग वाली है, ये टूरिंग करने के लिए बाइक बनी है, ये लोकल घूम तो बहुत ही कम घुमाएंगे लोग इसे। तो टूरिंग के ऊपर देखा जाए आपको सीट थोड़ी लगेगी 60-70 किलोमीटर के बाद, हिप थोड़ा दर्द करने लग जाएगा, बट 60-70 किलोमीटर का बंदा वैसे ही ब्रेक लेता ही है हमेशा, तो 10-15 मिनट की ब्रेक लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर कंटिन्यूस राइड करते हो 250-300 किलोमीटर तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि किसी भी बाइक कोई सी भी सीट लगवा लो, जितनी मर्जी कुछ नहीं करवा लो आप सीट के ऊपर, वो दिक्कत आती ही आती, क्योंकि थक जाता बंदा बैठा पहली बात तो, कितनी देर बैठेगा एक पोजीशन में, तो ये चीज़ होती है, तो थक जाता। आप गाड़ी की सीट भी इतनी, कार की सीट भी इतनी बड़ी होती है, लेकिन उसमें भी आप थक जाता बंदा बैठा हुआ, जितनी मर्जी कुछ नहीं करवाता बंदा अपने फायदे के लिए, कुछ नहीं कराने का भी जितनी कुछ नहीं, ये है ना बढ़िया है। बट कईयों को लगता है कुछ नहीं कराने का तो फर्क पड़ जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं, पर्सनली मैंने यूज़ किया काफ़ी टाइम, इतना टाइम हो गया मैंने आज तक कुछ नहीं कराई, ना कोई अलग एक्स्ट्रा सीट रखी है मैंने। हाँ, अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो बाय कर लेंगे, बट अभी मुझे ऐसा कोई जरूरत, अगर आपको लगता है कि आपको कुशनिंग की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा कुशनिंग करवा सकते हो, या फिर अच्छी कोई अलग से एक सीट खरीद सकते हो, उसके ऊपर बांध सकते हो, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। और इंडिकेटर की क्वालिटी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, रात को पूरे चमकते हैं इंडिकेटर, ये दूर से पता रहता है गाड़ी का, ब्राइटनेस अच्छी है, अच्छा टेल लाइट, इसकी जो टेल लाइट है ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि एलईडी की है, और जो इसकी फ्रंट लाइट है गाइस ये भी पूरी फुल्ली एलईडी है, तो नाइट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है लाइट के ऊपर भी। हाँ, अगर लॉन्ग राइड की डिस्टेंस की राइड करते हो, माउंटेन्स में ज़्यादा राइड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा राइड की जरूरत, लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो लाइट आप लगवा सकते हो, मगर आप ज़्यादा राइड नहीं करते हो, मतलब नाइट में ज़्यादा राइड नहीं करते हो तो जरूरत नहीं है, अगर वैसे भी अगर लगवाना चाहते शो का लाइटिंग का तो लगवा सकते हो, बट इसकी स्टॉक लाइट भी बढ़िया काम करती है, इतनी ख़राब नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी अच्छी है। मैं भी प्रेशर लेक गया था, प्रेशर लेक मैंने इसमें ऑफ रोडिंग भी की है और नाइट में राइड की थी, बट वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन नाइट में इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, पूरा काम करती है। गाइस इस पे जो टैंक की है, टैंक आपको 15.5 लीटर का टैंक मिलता है इसमें आपको, और माइलेज मैंने चेक की है, माइलेज के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो जो मैं दो बार माइलेज की वीडियो बनाई, पहली बार 30 की आई थी, सेकेंड बार 28 कुछ आई थी, तो 29 की आई थी, वो मैंने पूरी माउंटेन्स में राइड की थी, पूरी भगाई थी गाड़ी, रफ यूज़ की थी, मतलब पूरी रफ की तरह, मतलब कि बहुत गाड़ी को बहुत रैप किया था चलाते समय। तो इसकी दूसरी फर्क ये हो गया कि मुझे लगता है मैंने जब से इसका पीछे का मफलर निकलवाया है, ये इसका बेस बढ़ाने के लिए अपना एग्जॉस्ट का वो निकलवाया है इसका, तो तब से लग रहा थोड़ी सी माइलेज में ही फ़र्क पड़ा है, वो आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, अगर आप रिव्यू आफ्टर 500 किलोमीटर के आसपास, अप्रोक्स 500 किलोमीटर हो ही चुके हैं गाड़ी को, ली हुई को, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा था इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं और भी। तो गाइस ये था अपनी बाइक का रिव्यू, जैसे कि बताया आपको पेंट की थोड़ी क्वालिटी का दिक्कत है, देखो जैसे यहाँ भी पेंट उतर रहा है, तो यहाँ भी उतर रहा है वो देखो, तो पेंट का थोड़ा दिक्कत है, पेंट की क्वालिटी अगर सुधार ले तो काफ़ी अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा, अपनी हिस्ट्री के लिए सजेशन है जरूर। तो ये छोटी छोटी कोई दिक्कत आई है, बाकी ऐसा कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं कि गाड़ी बहुत ही बेकार है, अभी तक जितनी मैंने चलाई है गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है, माउंटेन्स के ऊपर भी, ऑफ रोडिंग के ऊपर भी, और हाईवे के ऊपर भी, और ऐसा ना कोई टॉर्क का कोई इशू आया कि लो गियर पे, बस हाँ ये कि गैस आपको गियर शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, गियर शिफ्ट आपको बार बार करना पड़ेगा, हल्का सा अगर आप ब्रेक मारते हो आपको डेफिनेटली, अगर चौथे पे चले हो तीसरे पे, पाँचवे पे, चौथे पे आ जाओगे, अगर छठे पे तो पाँचवें में, अगर पहले पे चले तो बढ़िया, पहले पे गाइस इसकी जो आपको स्पीड रेशियो ज़्यादा हो पहले पे जाती है 25 तक, बिल्कुल जोर लगा, अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे तो 30-35 तक चली जाती है, दूसरे पे जाती है ये 50 से ऊपर, तीसरे पे 70 टप जाती है, चौथे पे गाइस ये 80-90 जाती है, पाँचवे पे 100 टप जाती है पूरा ये, तो पाँचवा गियर आप 100 के बाद भी डाल सकते हो, और छठा गियर आप 125 और 135 के बीच में डाल सकते हो, तो ये इसकी गाइस गियर रेशियो, स्पीड की गियर रेशियो है, तो गाड़ी भागने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भागती है, पीछे पिलियन चल बैठा के ही मैंने गाड़ी चलाई है, ना आज तक किसी पिलियन ने पीछे ही कंप्लेंट लॉक की है कि सीट छोटी है बड़ी है, कंच कुछ नहीं कम है, अच्छी है सीट, पिछली सीट तो अच्छी है, और ड्राइविंग सीट भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है और काफ़ी लॉन्ग सीट दी है, तो ड्राइवर भी बिल्कुल कम्फर्टेबल बैठ सकता है, जो राइडर होगा, और टेल लाइट पीछे की ओके है, हेडलाइट ओके है, पूरी गाड़ी का आपको बता देगा इस हॉर्न कॉन्स, मेन जो कॉन्स है इसके अंदर वो वही है कि हीटिंग इशू और हॉर्न का थोड़ा सेटअप ठीक कर लें, टैंक की क्वालिटी भी अच्छी है, या टैंक की तो पेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, और क्या दिक्कत थी और तो गैस कोई, और मीटर की गैस, तो मीटर के थोड़े फॉन्ट बड़े कर लें कंपनी वाले तो बढ़िया रहेगा, अगर टायर भी थोड़े अच्छे दे दें MRF के या कोई बढ़िया टायर मिल जाइए, CH के टायर थोड़े ज़्यादा मुझे बढ़िया लगे थी, पता नहीं क्यों मेरे पिछले वाला तो बहुत जल्दी घिस गया है, बीच से तो गंदा होने वाला थोड़ा, ये देखो गुड्डी कम हो गई है, यहाँ से जोड़िए था अपना वीडियो, यस डी एडवेंचर का रिव्यू,
अप्रॉक्स 500 किलोमीटर के आसपास। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी बाइक के बारे में जानना हो, पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। और मेरे गाइस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, यजदी के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हुई हैं, और अपनी जो मैं ट्रैवल करता हूँ, टूरिंग करता हूँ, उनके ऊपर भी गाइस अलग से वीडियोस बनी हुई है। और प्लेलिस्ट के टाइम में जाओगे तो आपको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ जाके मैंने राइड की, लद्दाख की, स्पीति की, सच पास की, चांशल पास की, पाशर लेक, खीर गंगा, बहुत सारी वीडियो भी। मोस्टली मैंने गाइस हिमाचल का एरिया कवर कर रहा हूँ, हिमाचल से बाहर मेरी राइड्स कम ही की हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हिमाचल के बाहर की राइड भी आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी प्लान कर रहे हैं ऐसा भी कुछ, तो अभी तो हिमाचल ही कवर करेंगे पूरा। तो गाइस ये था आपको फुली रिव्यू दे दिया अपनी यजदी एडवेंचर का, डिस्क ब्रेक का भी बता दिया, डिस्क पैड और डिस्क ब्रेक का बढ़िया काम कर रहे हैं, 700-800 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। नई प्लेट डली है, नए पैड डले हैं, दे सकते हो आप, ये प्लेट बिल्कुल नवी है और नए ही पैड डले हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई है। अगर फ्यूचर में आई तो बताऊंगा आपको, अभी तक तो ओके है। अगर आती है डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी किसी राइड के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।